ने आज ऐलान किया कि स्वयं सहायता समूह को अब 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब से पहले ऐसे समूह को लोन मिलने की सीमा 10 लाख रुपए तक थी। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुवार को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ये ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की। इस दौरान मोदी ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,625 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया। महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका काम काज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों के गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ते हुए आजीविका के लिए और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है। मिशन से जुड़ी महिलाओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है। ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की दोहरी भूमिका हो जाती है। उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता तो फैलानी ही है, साथ ही इसके विकल्प के बारे में भी सोचना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ट्रेनिंग लेकर काम कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई खास कदम उठाए हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मिशन छेड़ा और कोरोना महामारी के संकट काल में भी महिलाओं ने मास्क सैनिटाइजर बनाए थे।